आगरमालवा के ग्राम परसुखेड़ी के श्री राम मंदिर से वज्र यात्रा शुरू की गई, जो नगर में भ्रमण करते हुए साधु कुटी हनुमान मंदिर पहुंची, जहां पर ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ राम मंदिर के पुजारी जगदीश नागर के द्वारा हनुमान जी को वज्र भेंट की गई। इसके बाद भोजन प्रसादी के साथ भजन संध्या का आयोजन किया गया। राम मंदिर के पुजारी जगदीश नागर ने बताया कि बालाजी ने अयोध्या के संत सरजू दास को स्वप्न दिया था कि आगर के समीप सेमली के नाले के पास मेरी मूर्ति है, उसकी स्थापना करो। तब सरजू दास जी अयोध्या से चलकर आगर आए और श्री बालाजी हनुमान की साधु कुटी पर स्थापना करवाई। तभी से यहां परसुखेड़ी के ग्रामीणों के द्वारा हर महाशिवरात्रि पर भोजन भंडारे के साथ साथ भजन संध्या का कार्यक्रम कराया जाता रहा है और जो भी भक्त सच्ची भावना से यहाँ जो कुछ मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। त्रिवेणी दास जी कृपा से जब संतों की कृपा हुई तो यहाँ बहुत बड़ा विशाल मेला लगने लगा। और जो आप देख ही रहे हैं कि पहले कभी ऐसा आयोजन यहाँ नहीं होता था। अयोध्या से जो सरजू दास जी यहाँ रहे, उन्होंने बालाजी वही लेकर के आए। पास में एक नाला था, वहाँ उनको स्वप्न में आए थे और वही ला करके यहाँ उनकी प्रतिष्ठा की थी। ये सरजू दास जी के हाथों से आई हुई जो सेमली के नाले में रखी थी, वहाँ से गाड़ी में रख कर के ला करके इस मंदिर की प्रतिष्ठा की। और आज दिनों दिन यहाँ विकास ही हो रहा है। यहाँ पर इतना विकास हुआ कि मैं 2014-15 साल मेरे को यहाँ हुए हैं, जब भी यहाँ धर्मशाला नहीं थी, केवल छोटा सा मंदिर था। रामायण बिठाते तो बारिश में भक्ति बिक जाती थी, पर अब बहुत विशाल बड़ा आयोजन हो रहा है।